नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव 10 न्यूज और मैं हूं तनु। दिल्ली से गिरफ्तार आतंकी अशरफ के बिहार कनेक्शन को लेकर किशनगंज खुफिया रडार पर है। किशनगंज के कौन से मददगार रहे हैं जो संदिग्ध को पनाह देने का काम किए हैं? किशनगंज में पहचान पत्र बनवाने के लिए आगे आने वालों के साथ इस पूरे नेटवर्क में शामिल लोगों की कुंडली खंगाली जाएगी। नेपाल की खुली सीमा से सटे बिहार के जिले में खुफिया नेटवर्क एक्टिव हो गया है। फिलहाल बिहार पुलिस भी इस मामले में अभी कुछ बोलने को तैयार नहीं है। सूत्रों की माने तो जांच एजेंसियों के रडार पर किशनगंज का वह सरपंच भी है जिसने पहचान पत्र जारी करने में अशरफ की मदद की है। अब तक की जांच में स्पेशल सेल को कई ऐसे इनपुट मिले हैं जिसके बाद किशनगंज में खुफिया रडार एक्टिव हो गया है। अशरफ बांग्लादेश के रास्ते भारत आया, फिर बिहार में मनसा नहीं पूरी हुई तो अजमेर चला गया। अजमेर में भी वह बिहार के किशनगंज के युवकों के साथ संपर्क में आया और फिर उसका बिहार से कनेक्शन जुड़ गया। सूत्रों की माने तो वह अजमेर में किशनगंज के जिन युवकों के संपर्क में आया वही उसे बिहार लाए और यहाँ उसकी पहचान पत्र भी बनवा दिए। पहचान पत्र में जिस सरपंच ने मदद की है अब उसके लिए जांच की पड़ताल की जा रही है। किशनगंज के पहचान पत्र के आधार पर ही दिल्ली में उसका पहचान पत्र आसानी से बन गया था। अशरफ की गिरफ्तारी और बिहार कनेक्शन के बाद नेपाल सीमा पर खुफिया अलर्ट है। भारतीय सीमा में प्रवेश करने वालों की खुफिया निगरानी हो रही है। खुफिया तंत्र अशरफ के नेपाल कनेक्शन भी खंगाली जा रहा है। सूत्रों का कहना है कि वह बांग्लादेश से आने की बात कह रहा है, लेकिन जांच में नेपाल का कनेक्शन भी देखा जा रहा है। यह पता लगाने का प्रयास किया जा रहा है कि अशरफ का बिहार में किस तरह के लोगों से संपर्क था। अब तक की जांच में उन युवकों का ही नाम आया है जो अजमेर से उसके संपर्क में आए थे और उनके सहारे ही अशरफ बिहार से पहचान पत्र बनवाने में कामयाब हो पाया था। स्पेशल सेल के साथ अन्य एजेंसियों की पूछताछ में जो इनपुट मिला है उस पर काम किया जा रहा है। इस मामले में इतनी गोपनीयता बरती जा रही है कि किसी को भनक तक नहीं लगने दी जा रही है। सेना की गतिविधि की रेकी भी इनपुट मिला है। हालांकि आधिकारिक तौर पर कहीं से इसकी पुष्टि नहीं हो रही है। बिहार में पुलिस का अलर्ट है। पाक आतंकी अशरफ को लेकर कोई भी पुलिस अधिकारी अभी मुंह नहीं खोल रहा है। बस इतना कहा जा रहा है कि वह हर संभव सहयोग के लिए तैयार है। अशरफ के तार बिहार से जुड़ने के बाद ही स्थानीय स्तर पर पुलिस की चौकसी संबंधित क्षेत्रों में बढ़ाई गई है। खुफिया तौर पर निगरानी भी कराई जा रही है। सूत्रों की माने तो बिहार पुलिस मुख्यालय ने आतंकी अशरफ के मामले में जांच में सहयोग के लिए एटीएस को दिल्ली पुलिस से संपर्क में बने रहने को कहा है। अशरफ की गिरफ्तारी के बाद से बिहार में अलर्ट है। नेपाल की खुली सीमा से लेकर किशनगंज में भी खुफिया चौकसी बढ़ा दी गई है। ऐसी तमाम ताजा खबरों को देखने के लिए आप जुड़े रहे लाइव 10 न्यूज के साथ।